हेलो फ्रेंड, मेरा नाम शिवराज है। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की जो वीडियो है वो हमारी एज्योर एडमिनिस्टर 104 के ऊपर है, जो प्रॉपर हिंदी में होगा। तो मैंने यूट्यूब पे जितने भी कंटेंट देखे हैं वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, और मैं आपके लिए बिल्कुल नया कंटेंट लेकर आया हूँ। बिल्कुल जो भी इसके अंदर जो भी अपडेट आए हैं मैं वो सारे कवर करूँगा इस वीडियो के अंदर। मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेकर बिल्कुल एडवांस के बारे में बताऊंगा। ये कोर्स हर कोई कर सकता है, चाहे वो आईटी बैकग्राउंड से हो चाहे नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो। तो फ्रेंड, इसके लिए कुछ बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है इस कोर्स के लिए। जिन बंदों को सर्वर के बारे में नॉलेज हो, नेटवर्किंग के बारे में नॉलेज हो, आईपी एड्रेस के बारे में नॉलेज हो, स्टोरेज के बारे में नॉलेज हो, ठीक है, जो नॉन आईटी के लोग हैं और जिनको ये बेसिक नॉलेज पता है वो ये कोर्स कर सकते हैं और अपनी एक न्यू प्रोफाइल में स्विच कर सकते हैं, ठीक है। और जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता, जिन लोगों को सर्वर नहीं पता, नेटवर्किंग नहीं पता, स्टोरेज का तो नहीं पता, तो फ्रेंड उनसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो के साथ साथ CCNA का कोर्स या MCSE का भी कोर्स कर सकते हैं। एज्योर के जो भी टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आए। मैं अपनी वीडियो के अंदर बिल्कुल जीरो से आपको हर एक चीज़ बताऊँगा। मेरा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है, मैं IT फील्ड से हूँ, मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है। तो मैं जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं फ्री टाइम में आप लोगों के लिए अपनी नॉलेज जो भी है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसकी मदद से आप अपना माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकते हैं। और इतना मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो लोग मेरी वीडियो देख लेंगे एक बार में, उनको हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आपको कभी भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट तो कर ही सकते हैं, साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इस कोर्स में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा जिससे आपका एज्योर का सर्टिफिकेट आप हासिल कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं जो माइक्रोसॉफ्ट का जो मॉड्यूल है सेम वही कंटेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा या इससे कुछ एडवांस भी आपको कराऊंगा इस वीडियो के अंदर, जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको एज्योर एडी के बारे में बताऊंगा, उसके बाद रिसोर्स के बारे में बताऊंगा, फिर सब्सक्रिप्शन के बारे में बताऊंगा, फिर एक्सेस स्टोरेज के बारे में बताऊंगा। ये जो कंटेंट है माइक्रोसॉफ्ट से लिया हुआ है, और जो भी आपको सर्टिफिकेट के लिए जो भी कंटेंट चाहिए या जो भी आपको नॉलेज चाहिए वो प्रॉपर मेरे इस चैनल में मिल जाएगी। बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट जरूर बताना अगर कोई गलती भी होती है, कोई कमी भी लगती है आपको, तो जिससे मैं अपने आपको और इम्प्रूव करूँगा और अच्छा कंटेंट लाने की पूरी कोशिश करूंगा। और अपनी जितनी भी मेरी नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो प्रीवियस नॉलेज है वो उनको नहीं पता, बट मेरी जो वीडियो है, जो मैं ये कोर्स लेकर आया हूँ, इस वीडियो के अंदर आपको हर एक चीज़ बिल्कुल छोटे से छोटी चीज़ मैं बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से आपको एक थ्योरी भी कराऊंगा, साथ साथ प्रैक्टिकल भी कराऊंगा, जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। इस चीज को मैं गारंटी से लिख के बता रहा हूँ, आपका जो एग्जाम है वो 100% क्लियर हो जाएगा। तो मैं एक बार वीडियो को शुरू कर देता हूँ। ओल्ड इंफ्रा क्या होता है? एक्चुअली क्लाउड आने से पहले जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था आईटी का, कैसे हम काम करते थे, ये आपको मैं बताता हूँ। जो पुराना हमारा इंफ्रा था ऑन प्रमाइस का, मैं आपको बताता हूँ। हमें कोई भी नया डाटा सेंटर सेटअप करना है, उसके इसमें हमें फिजिकल सर्वर लेने होते थे, राउटर लेना होता था, स्विच लेने होते थे, केबल लेते थे, फायरवॉल लेते थे, स्टोरेज लेते थे, डिवाइस लेते थे, और भी बहुत सारी चीजें हम लेते थे, जब जाके हमारा एक डाटा सेंटर रेडी होता था। अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ, मैंने डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि पहले हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे काम करता था। ISP हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता था, वहां से हमारा राउटर से स्विच, स्विच से डाटा सेंटर में फायरवॉल बना के, हमने वेब सर्वर बना के, बैकअप बना के, तब जाके यूजर हमारा एक्सेस करते थे। मतलब ये हमारा काम करने का तरीका होता था कि हमें हर चीज पहले परचेज करनी पड़ती थी, चाहे वो राउटर हो, स्विच हो, लैंड केबल हो, या सर्वर हो, ठीक है, या स्टोरेज बैकअप हो। ये हमारा पहले काम करने का तरीका होता था। अब मैं इसको आपको डिसएडवांटेज बता देता हूँ। सबसे पहले कोई भी हमें डाटा सेंटर बनाना है तो एक हमें फिजिकल लोकेशन चाहिए होती थी पहले, उसके बाद हमें फिजिकल हार्डवेयर चाहिए होता था, जैसे कि रैक, सर्वर, स्विच, स्टोरेज, बैकअप डिवाइस और इंटरनेट केबल, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद सपोज करो ये आपने बाय कर लिए,
आफ्टर परचेसिंग के बाद हमें सपोर्ट चाहिए होता है, तो सपोर्ट के लिए क्या करते थे हम एमसी लेते थे वेंडर से, ठीक है भाई। वेंडर से एमसी लेने के बाद फिर हमें 24/7 हमारे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आता था। पहले जो हमने डाटा सेंटर रेडी कर रहे हैं उसके लिए हमें 24/7 बिजली चाहिए होती थी पहले। उसके बाद उसके लिए भी हमें एक बैकअप चाहिए होता था, जनरेटर लेने पड़ते थे, कूलिंग करने के लिए एसी लेने पड़ते थे, तो ये भी एक कॉस्ट आता था। मान लो कि सपोज करो मेरे पास दो सर्वर है या दो डाटा सेंटर है, अब मेरा काम बढ़ गया या ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आ गई कि हमें उसको अपग्रेड करना है, तो हम क्या करते थे एक सर्वर और रेडी अगर करेंगे तो फिर दोबारा से फिर हार्डवेयर को परचेज करना पड़ता था, चाहे वो राउटर हो, स्विच हो, लैंड केबल हो, तो ये भी एक तरह का कॉस्ट बढ़ जाती है। उसके बाद सपोज करो आपने ले लिया, आपने हार्डवेयर परचेज कर लिया, उसके बाद क्या होता था हम जब उसको चेंजेस करते थे तो डाउन टाइम बहुत ज्यादा लग जाता था। जो भी हमने हार्डवेयर परचेज किया है उसकी एक एक्सपायरी भी होती थी, फिर हमें दोबारा से फिर नए हार्डवेयर परचेज करने पड़ते हैं, फिर दोबारा लाइट राउटर स्विच केबल, फिर इसका फिर दोबारा से फिर कॉस्ट बढ़ता है। जो हमारा पुराना हार्डवेयर है अगर हम उसको रीसेल भी करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो बिल्कुल जीरो रिटर्न में। जो आईटी इंफ्रा को मैनेज करने के लिए आपको इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती थी जिसके और आपकी कॉस्ट लागत ज्यादा बढ़ जाती थी। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ कि जो हमारा पुराना मेथड था वो कैसे काम करता था, मतलब हमें क्या क्या बाय करना पड़ता था। एक आईटी इंफ्रा को रेडी करने के लिए हमें कितना सारा कॉस्ट लगता था, कितने सारे डिवाइस परचेज करने पड़ते थे, एएमसी लेनी पड़ती थी, इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे चाहिए होता था। बट ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपने सर्वर रेडी कर दिया, सब कुछ कर दिया और दो घंटे काम करा उसका सारा सर्वर बंद कर दिया या नेटवर्क बंद कर दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो 24 जो आवर्स जो चलता था उस केस में जो कॉस्ट जो लगती थी वो बहुत ज्यादा लगती थी। आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आशा करता हूँ जो भी मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। तो फ्रेंड अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।